जय हिंद एवरीवन। भाई आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी टेक्निकल में जितना भी प्रोसेस होता है, कितना हाइट लगता है, कितना वेट लगता है, कितना चेस्ट लगता है और कितना पास होना चाहिए, ए टू जेड पूरी की पूरी जानकारी इसी वीडियो में दे दूंगा। देखो बहुत सारे भाई यहाँ ग्राउंड पर आकर तैयारी तो करते हैं लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता रहता है कि जीडी में कितना हाइट लगता है, टेक्निकल में कितना हाइट लगता है और ट्रेडमैन में कितना हाइट लगता है, एनए में कितना हाइट लगता है और किस किस सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, जिससे इस बात को लेकर बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में होते हैं। तो कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो हम लोग भी तैयारी करते हैं और हम लोग भी अभी ग्राउंड पर ही आए थे। सबसे पहली बात, जितने भी भाई टेक्निकल की तैयारी करते हो ना, देखो आप लोगों का एज होना चाहिए 17.5 से 23 साल तक, ठीक है। बस टेक्निकल के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 17.5 से 23 साल तक एज होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल अगर पास रहोगे और सोचोगे टेक्निकल में भर दूँ तो नहीं भर पाओगे, आपको 12 पास होना चाहिए। हाँ ये रहेगा, अगर हाई स्कूल आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि हाई स्कूल में इतना नंबर होना चाहिए तभी टेक्निकल में भर पाओगे, बस आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। लेकिन 12 आपको मैथ से पास होना चाहिए, मैथ में 50% से पास होना चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, हर एक नंबर हर एक विषय में होना चाहिए, ठीक है, तो आप टेक्निकल में भर पाओगे। और पता है 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन आर्मी में। देखो ये जो टेक्निकल का होता है ना, एक क्वेश्चन जो होता है चार नंबर का होता है ना। अभी मैं राहुल भाई से पूछा हूँ तो देखो अपना जो राहुल भाई है वो टेक्निकल में हमेशा, जैसे टेक्निकल में वो भरता है, फार्म भरता है, अभी वो उधर मैच खेल रहा है तो उसका एक्सीलेंट भी मार चुका है, कई बार मार चुका है, तो उससे मैं पूछा हूँ, वो सब कुछ बता रहा था, मतलब हमेशा प्रैक्टिस भी करते रहता है। तो देखो भाई, देखो 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा 200 नंबर का आएगा और आपका 12 पास होना चाहिए, मैथ से पास होना चाहिए। और हाइट जो आप लोग पूछते हो ना, तो देखो यार हाइट 170 सेंटीमीटर रहेगा, अंदर थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है 169 सेंटीमीटर कुछ रहेगा तो फिट हो सकते हो, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो ये जो बीम लगा हुआ है ना, ये जो बीम लगा हुआ है वैसे मतलब बाहर ही लगा रहता है, उसमें आपको ये मतलब टच करना रहता है, तो बहुत सारे भाई बाहर से ही छट जाते हैं। और देखो अगर आप अच्छे से बाहर फिट हो जा रहे हो तो अंदर जाओगे तो थोड़ा बहुत कम रहेगा तो चल जाएगा रेस मारने के बाद, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं यार बंदा इतना मेहनत किया है, इतना ज़्यादा दिन तक दौड़ा है। और मतलब और पता है आपका जीडी से मतलब ओवर एज हो जाओगे, जीडी में आपका एज खत्म हो जाएगा, वही भाई टेक्निकल में भरते हैं। देखो 17.5 से 21 साल तक जीडी में रहता है और जैसे ही जीडी का ओवर एज हो जाता है तो टेक्निकल में भरते हैं सब, क्योंकि उसमें एज ज़्यादा रहता है। तो मिला जुलाकर बाहर अगर मतलब बाहर फिट हो जा रहे हो ना, अंदर चले जा रहे हो रेस मारने के बाद, आप लोगों को बहुत कम आशा रहेगा छटने के लिए। तो ये रहा मतलब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाकर होता है ना, 5 सेंटीमीटर देखो फुलाकर होता है। आप इंडियन आर्मी में जाओगे नॉर्मल जितना नापेंगे सब 77 नापेंगे सब, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाकर रहेगा। तो ये चेस्ट हो गया, बाकी सब तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। 12 पास होना चाहिए, मैथ से पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर होना चाहिए और आपका हाइट 170 सेंटीमीटर और सीना जो होना चाहिए 77 से 5 सेंटीमीटर फुला कर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही है टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस, 50 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो आप लोग अपना तैयारी करना, जिस भाई को टेक्निकल का तैयारी मतलब करना होगा 12 पास मैथ से होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई लोग, बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे तो मैं सोचा हूँ आप लोग को बता दूँ। अभी हम लोग भी ग्राउंड पर ही आए थे, अभी चल रहे हैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। जय हिंद।